जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एडवांसमेंट मिल गया नोटिफिकेशन के साथ। तो यो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने MCPA में एडवांसमेंट मोड डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली मोड में होगा क्या, जो भी आप काम करते हैं, मान लीजिए कोई अचीवमेंट पूरा करते हैं, तो आपको जो एडवांसमेंट मिलता है वो आप कैसे ले सकते हैं। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा, बिल्कुल आपको वैसे ही मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से यहाँ पर आ जाना है, फिर इसको डाउनलोड कर लेना है। ये ज़्यादा नहीं, बस आपका 12 MB लेगा। उसके बाद फिर जैसे ही ये आपका डाउनलोड जो है, मेरा डाउनलोड हो रहा है, आपका जैसे ही ये डाउनलोड है, आपको अपना फाइल मैनेजर ओपन कर लेना। मैं डाउनलोड करके जल्दी से अपना फाइल मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। तो बस ये आपको मिल जाएगा आपके फाइल मैनेजर में आर्काइव्स वाला ऑप्शन में। इसके अंदर जाना है, फिर आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद व्यू के ऑप्शन में क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये देखें, ये रहा हम लोग का वो एडवांसमेंट पैक। तो इसके ऊपर, इसके एक बार ऊपर क्लिक करना है आपको। इसके अंदर आपको दो फाइल मिल जाएंगे, एक बिहेवियर है, एक रिसोर्सेज है। दोनों को आपको क्या कर देना है, सेलेक्ट करके मूव के ऑप्शन में, गेम्स के ऑप्शन में, मोजैंग में, बिहेवियर में पैक में जाके आप दोनों को पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद फिर बिहेवियर पैक में ये जो दूसरा वाला बिहेवियर पैक है, इसको रहने दीजिए। उसके बाद फिर रिसोर्सेज पैक वाले को आप मूव कर लीजिए रिसोर्सेज पैक में, कोम गेम्स के फोल्डर में, कोम मोजैंग में। वापस यहीं पर एक और फोल्डर होगा रिसोर्सेज पैक का, रिसोर्सेज पैक को रिसोर्सेज पैक में पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद ये जैसे ही आपका हो गया, आपको अपना माइनक्राफ्ट को ओपन कर लेना है। मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप अपना माइनक्राफ्ट ओपन करेंगे, आपको यहाँ पर प्ले में दाब के एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेना है। लेकिन वर्ल्ड क्रिएट करने से पहले आपको इस रिसोर्स पैक को एक्टिवेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एडवांसमेंट बिहेवियर, इसको जाके आप एक्टिवेट कर दीजिए। तो ये आपका रिसोर्स पैक से भी एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपको अपना वर्ल्ड क्रिएट कर लेना है। तो फिर चलते हैं डायरेक्ट वर्ल्ड की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करता है। तो गाइस, मेरा वर्ल्ड ओपन हो चुका हूँ। मैं आपको एक ट्री भी खोद के दिखा देता हूँ, मुझे एडवांसमेंट मिलता है कि नहीं मिलता। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एडवांसमेंट मिल गया नोटिफिकेशन के साथ। मैं और एक आपको एडवांसमेंट लेके दिखा देता हूँ। जैसे मुझे PX बनाना होगा तो मैं जल्दी से आपको बना के दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये मुझे और एक एडवांसमेंट मिल गया स्टोनेज का। और अगर आपको चेक करना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा एडवांसमेंट है, तो यहाँ पर आप 3 डॉट्स में क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर एक पी का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे एडवांसमेंट दिख जाएंगे। तो गाइस, ऐसे ही आप अपने माइनक्राफ्ट में डाउनलोड कर सकते हैं एडवांसमेंट पैक। तो होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल विजिट करके देख लेना, बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।